हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द माइंड ग्रोअर। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ कहूँगा कि रूबिक क्यूब को सॉल्व करने या कि क्या क्या चीज़ें मदद करती हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर रूबिक क्यूब है। सो पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि एल्गोरिथम्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आर, अगर देखोगे 5 अल्फ़ाबेट लिख चुका हूँ मैं। अब आर का मतलब होता है राइट, यू का मतलब होता है अप, एल का मतलब होता है लेफ्ट, डी का होता है डाउन और एफ का मतलब होता है फ्रंट। और प्राइम जो होते हैं, प्राइम वो हमेशा इनके अपोजिट होते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले आपको समझा दूँ आर क्या होता है। फ्रेंड्स, आर होता है, शीट में देखते हैं, राइट वाली लेयर को ऊपर करना, यानी आर ऐसे होगा आर आर। अब देखते हैं आर प्राइम क्या होता है। आर प्राइम है राइट वाली लेयर को नीचे करना है, यानी आर ऐसे और प्राइम यानी नीचे। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है यू। यू का मतलब है अप वाली लेयर को लेफ्ट पे करना है। तो फ्रेंड्स, ये है ऊपर लेयर है, उसको लेफ्ट पे करना है। अब हम लोग देखते हैं यू प्राइम क्या होता है। यू प्राइम है ऊपर लेयर को राइट पे करना है, यानी लेफ्ट। यू प्राइम। अब देखते हैं एल क्या होता है। एल है लेफ्ट वाली लेयर को ऊपर करना है। देख सकते हैं लेफ्ट फाइल लेयर को ऊपर, ये लेफ्ट फाइल लेयर, इसको ऊपर करना है। और आप देखते हैं एल प्राइम क्या है। एल प्राइम है लेफ्ट फाइल लेयर को नीचे करना है, यानी एल ऊपर और एल प्राइम नीचे। सो फ्रेंड्स, अब देखते हैं डी क्या है। डी का मतलब है डाउन वाली लेयर को राइट पे करना है। ये डाउन वाली लेयर है, इसको राइट पे घुमाता हूं मैं। देखते हैं डी प्राइम क्या है। फ्रेंड्स, डी प्राइम है डाउन वाली लेयर को लेफ्ट पे करना है, लेफ्ट पे और डी ऐसे। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे मैं वो क्या बता रहा हूँ। फिर जब आप रूबिक क्यूब को सॉल्व करना सीखेंगे तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये होगा। अब लास्ट बचा है एफ। एफ का मतलब है फ्रंट वाली लेयर को राइट पे, और एफ प्राइम का मतलब है फ्रंट वाली लेयर को लेफ्ट पे, यानी एफ ऐसे और एफ प्राइम एफ एस ए और एफ प्राइम है ऐसे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एफ है बिल्कुल राइट पे और प्राइम है बिल्कुल लेफ्ट पे, एफ और एफ प्राइम। तो फ्रेंड्स, आपको पूरी एल्गोरिथम की शीट समझ आ चुकी है। अब हम लोग देखते हैं आगे आपको क्या सिखाना है। तो फ्रेंड्स, आगे आपको बताऊँ रूबिक क्यूब को पकड़ना कैसे। थंब आपके बिल्कुल सामने रहता है और मिडिल फिंगर है और इंडेक्स फिंगर उसको पीछे रहती है। अब एल्गोरिथम्स लगाते हैं, ऐसे करते हैं। आपको दिखाता हूँ एच पीस और मिडिल पीस क्या होता है। सो फ्रेंड्स, एच पीस होता है ये वाले पीस, और मिडिल पीस होते हैं मिडिल वाले पीस। ऐसे ऑरेंज का राइट पे वाइट है और लेफ्ट पे येल्लो है, तो हमेशा ऑरेंज के राइट पे वाइट रहेगा और लेफ्ट पे येल्लो रहेगा। तो दिखा देता हूँ मैं, सारे पीस कर चुका हूँ। ऑरेंज के राइट पे येल्लो है और लेफ्ट पे वाइट है, हमेशा यही रहेगा। अगर कुछ भी कर लें लेकिन हमेशा यही रहेगा। ऑरेंज के राइट पे येल्लो है और लेफ्ट पे वाइट है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। और अगली वीडियो हम लोग कुछ कहेंगे रूबिक क्यूब को सॉल्व कैसे करना है। तो आप ये ध्यान रखें, रूबिक्स क्यूब को हम लोग लेयर बाय लेयर सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए गुड बाय।